नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग बिरले होते हैं, अजूबे होते हैं, बातों ही बातों में अचानक ही नए नए रिकॉर्ड बन जाते हैं। दरअसल पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इतिहास रचा गया। पहली बार एक ऐसी वकील जो सुन और बोल नहीं सकती है, उन्होंने इशारों इशारों में अदालत में अपनी दलीलें रखी। सरास सैनी की इशारों वाली भाषा को जबान दी सीनियर एडवोकेट सौरभ राय चौधरी ने। हमारे साथ बात करने के लिए खास तौर पर खुद सारा मौजूद हैं, उनके इंटरप्रेटर, उनके अनुवादक सौरभ हमारे साथ हैं और उनकी मेंटोर जो हैं संचिता, वो भी हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रही हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक किसी मूक बधिर वकील ने अपने मामले में की जिरह खुद की हो, और इस इतिहास को बनाने के लिए हम तारीफ करना चाहेंगे संचिता की भी और उस सारा की भी जिन्होंने इशारों में अपनी बात चीफ जस्टिस को समझाई और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उनको ये मौका दिया। एक खास बातचीत रिकॉर्ड की है, आइए सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी चीज हुई है जो बहुत ही काबिले तारीफ है। एक मूक बधिर वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सामने जिरह की है और ये शायद पहली बार हुआ है। और ये इसलिए पहली बार मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं अद्भुत कह रहा हूं कि अमूमन ऐसा देखा नहीं गया है। ये जिरह हुई थी पिछले हफ्ते। मूक बधिर जो वकील हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके जो अनुवादक हैं इंटरप्रेटर वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और इस वकील की जो मेंटोर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बारी बारी से परिचय कराता हूं। मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि मेरी बात सारा तक पहुँचे। सारा सनी इनका नाम है, वेलकम टू द शो सारा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, और सौरभ हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सौरभ इंटरप्रेटर हैं। सारा हमारी बातों को, हम जो पूछेंगे सारा से वो सौरभ के थ्रू सारा तक पहुंचेंगी, और सारा जो जवाब देंगी वो सौरभ के थ्रू आप तमाम दर्शकों तक पहुंचेगा। शुरुआत करूंगा, संचिता जी का परिचय भी करा दूं आपसे। संचिता एन जी हैं जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, और उन्हीं की पहल पर ये पूरी कोशिश हो पाई कि आज एक डेफ वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हो पाई और अपनी बात कह पाई, अपनी बात समझा पाई, जिसकी तारीफ खुद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भी की है। मेरा पहला सवाल, अगर मैं स्पीड से बोल रहा हूं सौरभ तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं धीरे बात करूं ताकि आप समझा पाएं सरा को। सौरभ, हम सरा से ये जानना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हुई पिछले हफ्ते, उनका अनुभव कैसा रहा? मुख्य न्यायाधीश सामने थे। तो क्या कहें, ये एक सपना है, बोलते हैं ना, ड्रीम कम्स ट्रू। मेरे लिए मेरा सपना पूरा हुआ। एक डिजायर था ये मेरे लिए कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ऐसा कभी सुप्रीम कोर्ट में मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, और वीडियो प्लेटफॉर्म से एंट्री करे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी के सामने, मेरे लिए तो एक बहुत ही ब्रेथ टेकिंग मोमेंट था। इससे मेरे कॉन्फिडेंस को जरूर बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिला है, क्योंकि एक रोल मॉडल के तरीके से बाकी बधिर लोगों के साथ, बाकी बधिर लॉयर्स को और सुनने बोलने वाले लोगों को भी आप प्रेरणा मिलना चाहिए इनसे। मैं संचिता आयन जी को बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं उनकी, कि क्योंकि उन्होंने सुगम्य बनाया और वो बहुत मेहनत कर रही है मेरे लिए ताकि मेरे को सुगम्यता प्राप्त हो। RPWD 2016 में सेक्शन, मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूं, सेक्शन 42-46, तो सेक्शन 42-46
RPWD एक्ट 2016 में लिखा हुआ है कि सुगम्यता सभी को प्राप्त होनी चाहिए हर एक जगह, लेकिन हम बहुत वक्त से देख रहे हैं ये एक्ट लागू हो चुका है लेकिन सांकेतिक भाषा अनुवादक कोर्ट में नहीं होते हैं। पहली बार हमने कोर्ट में सांकेतिक भाषा से अनुवाद और सुगम्यता प्राप्त करके बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सरप्राइजिंग है। सौरभ जो इंटरप्रेटर थे, मेरे लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग था कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स मैंने देखे, तो बहुत ज्यादा लर्निंग होती है ऐसे एक्सपीरियंस से। कोर्ट से दरख्वास्त है इंडिया में जहां जहां पे कोर्ट्स हैं, सुगम्यता के लिए इंटरप्रेटर्स को एक्सेप्ट करें और इस चीज को बढ़ावा दें। तो सौरभ आपकी तारीफ कर रही हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप खुद कोर्ट में मौजूद थे। सौरभ हम तमाम दर्शकों की तरफ से भी आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। सौरभ मेरा सवाल आपसे है, आपको कैसा लगा? ऐसे तो अभी मैं सौरभ नहीं हूं, अभी मैं एक अनुवादक हूं और मेरा काम जो है आपकी बात उन तक पहुंचाना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने एथिक्स को ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए और पूरे इंटरप्रेटर्स कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कोर्ट में इंटरप्रेटर्स आएंगे, बधिर लॉयर होंगे तभी वहां पे इंटरप्रेटर आएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट मतलब टॉप कोर्ट में, ऐसे तो बहुत नीचे से शुरू होता है ना, यहाँ पे उल्टा है, टॉप कोर्ट में ही इंटरप्रेटर अंदर आ चुके हैं, तो इसका मतलब फिर नीचे जो है उसके नीचे हाई कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, हो सकता है इस चीज को कॉपी करें और फिर सुगम्यता बढ़ती रहे। बहुत अच्छी बात है, आप दोनों ने बहुत अच्छे से आपकी बात हमको समझ में भी आ रही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको, इस पूरे प्रोग्राम को ऐसा बनाऊँ कि जो भी इस प्रोग्राम को देखे वो सब समझे, खासकर वो सुन सकता हो या ना सुन सकता हो, मूक हो, बधिर हो या सामान्य हो, उन सबको ये प्रोग्राम ज़रूर समझ में आना चाहिए। हमारी कोशिश है NDTV इंडिया पर कि हम हर वर्ग तक इस प्रोग्राम को लेके जाना चाहते हैं, और इसके लिए मैं तारीफ करना चाहूँगा अपने इस मंच से संचिता जी की। संचिता जी, आपने एक बहुत ही नायाब काम किया है, इसके लिए आपकी बहुत बहुत प्रशंसा होनी चाहिए। यह आइडिया आपको कहाँ से आया, क्यों आपने ऐसा किया संचिता जी? जी देखिए, कोविड के दौरान मैंने एक वेबिनार सीरीज ऑर्गेनाइज किया था। अंदर तो बहुत सालों से खुन्नस था क्योंकि मुझे खुद एक डिसेबिलिटी है, तो मैं देखती थी कि अरे यहाँ ये नहीं है, वहां वो नहीं है। ठीक है, कलीग्स तो कई बार कोऑपरेट नहीं करते हैं, मगर जो इंस्टीट्यूशन है, थैंकफुली मुझे ऐसे एम्प्लॉयर्स मिले थे जो बहुत अकोमोडेट, तो जिनको वो नहीं मिलेगा वो कहाँ है, वो तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे। सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में मैं तब अनुमान ही नहीं लगा सकती थी कि कोई व्हीलचेयर लेके जाएगा, कैसा होगा। तो मेरा ना सपना है, कुछ कुछ विजुअल्स है मेरे पास कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के थ्रू डेफ लॉयर आर्ग्यू कर रहा है, विटनेस आ रहे हैं, लोग केस कर रहे हैं डेफ लिटिगेंट्स, तो वो विटनेस बन के आ रहे हैं, फिर आप अपने तरफ से कोई इंटरप्रेटर लेके आ रहे हैं ये समझने के लिए कि इंटरप्रिटेशन सही हो रहा है या नहीं, दोनों पार्टीज अपने अपने इंटरप्रेटर्स ला रही है, कोर्ट का इंटरप्रेटर है जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, और कोर्ट का अपना इंटरप्रेटर है, बहुत स्मूथली सिस्टम चल रहा है। तो ये एक विजन है जो मेरे जीते जी होगा, एक विशलिस्ट है मेरी, और मैं उस बच्चे की तरह हूं जो प्रार्थना करने तो सब गए थे मगर वो बच्चा बारिश के लिए, वो बच्चा अम्ब्रेला लेके, तो मैं वैसा फेथ रखती हूँ पूरे सिस्टम में, और जम के मैं क्रिटिसाइज भी करती हूँ, जम के मैं बोलती हूँ कि ये नहीं होगा तो नहीं चल सकता है, ये तो होना ही होगा और आज ही होना होगा। तो तब जो वेबिनार सीरीज किया था तब इस बारे में चर्चा शुरू हुई, मैंने कहा कि यार कहाँ है लॉयर्स, तो फिर मुझे सौदामिनी पेठे मिली डेफ लॉयर, तब वो पढ़ रही थी, तो सौरभ उनके लिए एक बार इंटरप्रेट कर रहे थे, तो मैंने हेबियस कॉर्पस बोला, कुछ उनको पूछना था मुझसे, तो मैंने उनको जब हेबियस कॉर्पस बोला तो सौरभ ने पूरा HABE, तो मैंने कैसे, तो है नहीं हमारे पास इसका मतलब साइन लैंग्वेज में डिक्शनरी, हम्म,
तो अगर हो तो किसके लिए हो, कैसे हो? हाँ, अगर कोई है ही नहीं तो किसके लिए होगा? अगर मैंने इंटरप्रेटर्स मांगना शुरू किया, किसके लिए मांग रही हूँ मैं? लोग कहेंगे है ही नहीं, कोच कहेंगे किसके लिए अपॉइंट करें हम? तो करते करते मैंने कहा अच्छा, तो और डेफ स्टूडेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं लॉ? संचिता जी, मैं बीच में टोक रहा हूँ, थोड़े से वक्त की हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, हुआ क्या था? और डीवाई चंद्रचूड़ साहब, मुख्य न्यायाधीश, जो खुद जी जिन्होंने अपने दो स्पेशल किड्स को गोद ले रखा है, उनकी अपनी डॉटर स्पेशल किड्स हैं, जो जहाँ तक जानकारी मेरे पास है, कैसे कन्विंस किया आपने? उस वक्त की, उस दिन की घटना बताई ना, लास्ट वीक की। देखिए, कन्विंस करना तो दिमाग में मेरे था ही नहीं। मुझे तो था कि जैसे आपके पास कॉपी किताब होती है ना, वैसे डेफ के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। तो मुझे बस ये था कि हाँ, मतलब चूंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, कोर्ट है, तो मुझे उनसे ऑब्वियसली परमिशन लेनी है। और मुझे पक्का पता था कि वो हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि अपना इंटरप्रेटर हम लेके जा रहे थे। आइडियली तो कोर्ट को देना चाहिए, उनको सच में लगा कि शायद मैं मांगने वाली हूँ। तो एक बार तो उनको सुना ही नहीं दिया जब मैंने कहा इंटरप्रेटर है, तो वो नीचे देख रहे थे। और फिर उन्होंने जब समझा कि अच्छा है, उन्होंने कहा हाँ है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा नहीं, वीडियो ऑन करना। हैट्स तो ऑफ टू उन्होंने यू, कहा हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू सारा। एक क्वेश्चन सारा से पूछ रहा हूं मैं, सौरभ उनसे पूछेगा आप हमारी तरफ से, वकील क्यों बनी वो, और क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगी ऐसे बच्चों को जो बोल नहीं सकते हैं, जो समझ नहीं सकते हैं? सही है। तो मेरा जवाब ये होगा कि लीगल फील्ड आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ दिया। मेरे जो सुनने बोलने वाले साथी थे, उन्होंने मेरा बहुत मदद किया ड्यूरिंग माय स्टडीज लॉ कॉलेज के टाइम पे। कुछ टीचर्स भी थे जिन्होंने मेरी मदद करी। मैंने क्यों लीगल फील्ड या मैं क्यों एडवोकेट बनी, क्योंकि मैं हक और हमारे जो हक है उनमें समानता चाहती हूँ। आई वॉन्ट इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ राइट्स। और मेरे पेरेंट्स हाँ, मेरे जो सॉरी, बस क्लेरिफाई कर रहे थे, जो मेरे माता पिता हैं उनके 3 बधिर बच्चे हैं। तो उन्होंने जब हमें बड़ा किया तो उनमें भी ये जज्बा था कि मेरे बच्चे सुनने बोलने वाले समाज में, मेन स्ट्रीम समाज जो बोलते हैं, वहां पे इक्वालिटी से एक तरीके से उनसे पेश आए सभी लोग, और हम लोग एक तरीके से पूरे टाइम मेन स्ट्रीम या सुनने बोलने वाले समाज में ही बड़े हुए हैं। और मेरे माता पिता की ये बहुत एक जुनून था कि हम लोगों को इक्वल राइट्स मिले, क्योंकि ये दो अलग अलग दुनिया को देखा जाता है, सुनने बोलने वाली दुनिया और बधिर दुनिया। लेकिन मैं चाहती हूँ ये दोनों दुनिया एक समान, एक दुनिया पर, और सबके हक एक हों, ये मेरा एक सपना है। तो इसलिए मैं लीगल प्रोफेशन चूज किया। बहुत बहुत अच्छी बात है सारा, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, सॉरी, वी एक विश यू चीज ऑल द आपने और पूछा बेस्ट। था। और आप और बड़े बड़े मुकदमे लड़ें, इम्पॉर्टेंट केसेस आपके पास आएं, और इस प्रोग्राम को देखकर, आपको देखकर सारा, हिंदुस्तान के और बच्चे जो मूक बधिर हैं वो इंस्पायर हों, और वो कोशिश करें कि वो अदालतों में जाकर जिरह कर सकते हैं। और सौरभ जैसे लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आए और उन्होंने इतना आसान बना दिया इस मुश्किल तरीके से एक दूसरे से बातचीत करने को। तो सौरभ जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, सारा जैसे हौसले वाले बच्चों की ज़रूरत है, और संचिता जी ने तो जो किया है वो कमाल का है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये कहते हुए कि आप दो जीवन में हमेशा खुशियाँ पाएं और हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद NDTV इंडिया से बात करने के लिए।